अपने मोबाइल को चोरी होने से कैसे बचाएं? जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा आपके मोबाइल को चोरी होने से आप बचा सकते हैं। आज के टाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना आपके लिए, क्योंकि हर टाइम मोबाइल चोरी होता है। कहीं बस में जा रहे, कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, या फिर घर से भी चोरी हो जाता है। तो कैसे आप इससे बच सकते हैं? आपके मोबाइल खुद बता देगा कि ये मोबाइल चोरी हो रहा है, मतलब सायरन बजेगा, ठीक है, मतलब आपके फ़ोन आपको अलर्ट कर देगा, कोई आपको निकाल, कोई आपके जेब से फ़ोन को निकाल रहा है, कोई आपके पास से फ़ोन को ले जा रहा है, तो आपके फ़ोन आपको खुद बता देगा। बहुत ही आसान और सिंपल सेटिंग है, मैं कुछ सेटिंग करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? प्ले स्टोर से आ जाना है। प्ले स्टोर पर आके बस आपको लिख सर्च करना है डोंट टच माई फ़ोन। तो ये वाला एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ये वाला एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है, सबसे आसान है और ये काम करता है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा, सभी काम ठीक से नहीं करता है। तो एप्लीकेशन का कंपनी का नेम आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। 30 MB का एप्लीकेशन है, 4.4 का रेटिंग है, मतलब ठीक ठाक रेटिंग है। तो इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से इंस्टॉल करके इसको ओपन करके देखेंगे इसमें क्या सेटिंग है। ज़्यादा कुछ सेटिंग यहाँ पे कुछ करना नहीं है, मतलब कुछ दो एक परमिशन देना है, बस आपका काम हो जाएगा। बस आपको इसको एक्टिव कैसे करना है बहुत ध्यान से आपको देख लेना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमारा लगभग यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप ना करें, ये गुजारिश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको ओपन कर लिया। तो ओपन कर लेने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये रनिंग, प्लीज़ वेट, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है, अभी आपको ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन आ जाएगा, तो आपको इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। ऊपर यहाँ पे आपको ये जो है मार्क, आपको राइट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ आ रहा है, तो आपका जो है ये परमिशन मांग रहा है, देखिए अलाउ करने के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन, तो अलाउ हम इसको कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं सिंपल स्टेप है, ठीक है। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं आपके फ़ोन को कोई अगर टच करता है, ठीक है, तो इसको आपको ऑन करना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से आपको टोन चाहिए वो बताएगा, जैसे कि यहाँ पे कैट है, तो कैट का टोन कैसा है वो मैं आपको दिखा दे। जैसे कि यहाँ पे आएगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है। एक एड्स आ गया क्योंकि मेरा इंटरनेट चालू है, तो यहाँ पर एड्स आ चुका है, तो एड्स को मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये साउंड सुनाई देगा, तो ये साउंड आपको सुनाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मेरा जो यहाँ पे है कैट का यहाँ पे है, और आप उसको टाइम दे सकते हैं, मतलब 30 सेकंड तक बोलेगा, 2 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, और लूप में भी आपको यहाँ पे सुनाई देगा। तो मैं इसे बैक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पोलिस का वर्सल को मैं ऑन करूँगा, ठीक है। तो इसको हम वॉल्यूम को फुल कर देंगे और 2 मिनट कर देंगे, ठीक है। इसे आप लूप में भी कर सकते हैं, तो कर देंगे, और ऊपर यहाँ पर इसको टिक कर देंगे, मतलब इसका इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अभी क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, और 3 ऑप्शन नीचे है, ठीक है। ये ऑप्शन जो आप ताली का ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हैं, इसका क्या काम है, मान लीजिए आपके फ़ोन आपके घर पे कहीं पे है, अंधेरा है, आप फ़ोन ढूंढ नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, इसको अगर ऑन करके रखेंगे ना, जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, इसको ऑन कर दिया मैंने, अभी रेड हो गया आप देख सकते हैं, और इसको यहाँ पर एक्टिव करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एक्टिव कर दूँगा और ताली बजाऊँगा, ठीक है, जिसे एक्टिव करके रखना है आपको, जैसे मैं इसे एक्टिव पर क्लिक करूँगा ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है पहली बार, तो परमिशन दे देंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर से एक बार टैप करेंगे करूँगा टैप एक्टिव, और ये पे एक्टिव बोलेगा, ठीक है। तो टैप करके यहाँ पे इसको एक्टिव कर देते हैं, और अभी मैं क्या करूँगा, फ़ोन को यहाँ पे मैं रख देता हूँ कहीं पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा, देखिए ताली बजा रहा हूं, मैं आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है माइक जो है ऑन है, इसलिए सुनाई नहीं देगा। अब बस आपको यहाँ पे इसको ऑफ करना है, तो इसमें क्लिक करके ऑफ कर देना। आपके घर में कहीं भी फ़ोन है तो ताली बजाएंगे, इसको एक्टिव करके रखने के बाद ताली बजाएंगे तो आपका फ़ोन चिल्लाने लगेगा, और साथ ही साथ आपका फ्लैश भी जलेगा, मतलब आपको पता लग जाएगा आपके फ़ोन कहाँ पे है, ठीक है। छोटा सा ताली बजाएंगे तो भी ये चलेगा काम। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जेब का ऑप्शन है, मतलब आपके जेब से अगर कोई फ़ोन को निकालता है, ठीक है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक्टिव पर क्लिक करना है, बस आपको मैं एक्टिव पर क्लिक करके रखूँगा और आपको दिखा दूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं एक्टिव पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे टाइमिंग चलेगा, इस टाइमिंग के अंदर मैं फ़ोन को जेब में ढुका अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जेब में फ़ोन को घुसा दिया, ठीक है। अभी मैं मेरा फ़ोन जो है जेब में है, तो मैं जेब से यहाँ पे निकालूंगा, जैसे ही फ़ोन को जेब से निकालूंगा, देखिए मैंने निकाल लिया, और ये अभी
चिल्लाने लगा है, मतलब बोलने लगा है कि आपके फ़ोन को कोई जेब से निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर से ऑफ करना है। इसको मैं क्लिक करूँगा, ऑफ हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये काम है इसका हो गया, मतलब जेब से अगर कोई भी फ़ोन को निकालेगा तो ये बोलने लगेगा। अभी यहाँ पे एक और एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इसको अगर कोई टच करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं फ़ोन को यहाँ पे इसको मैं ऑन कर दिया, अभी इसको मैं यहाँ पे टैप कर दूंगा। अभी फ़ोन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 1 2 3 करके ये चलेगा काउंटडाउन, और यहाँ पे ये मैंने फ़ोन को रख दिया। ठीक है, और टच जैसे हो जाएगा, जैसे मैंने टच किया, टच होते ही फ़ोन यहाँ पे बजने लगेगा, मतलब आपको पता लग जाएगा आपके फ़ोन को किसी ने छुआ है या किसी ने लेने की कोशिश किया है। तो इस तरीके से आपको टोन भी मिल जाएगा बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे आप टोन देख सकते हैं, जैसे कि कार के हॉर्न के है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सभी टोन है, 2 मिनट लूप में भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप करके इसको ऑन करके आप अपने जेब में रख देंगे, जैसे मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ तो इसको मैं ऑन करके अपने जेब में घुसा दूंगा। ठीक है, ये 1 2 3 होगा, और जेब में मैं इसको लॉक करके घुसा दिया फ़ोन को। ठीक है, तो अभी कोई फ़ोन को अगर यहाँ पे पॉकेट से निकालने की कोशिश करेगा तो ये बच जाएगा। ठीक है, मतलब आपका फ़ोन जो है वो चोरी होने से बच जाएगा। मैं इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ। तो बहुत ही आसान है इस एप्लीकेशन को यूज़ करना, इसके थ्रू आप अपने मोबाइल को चोरी होने से बचा सकते हैं, मतलब 99% तक आप अपने मोबाइल को बचा सकते हैं चोरी होने से, या फिर घर में से अगर कोई इसको ले जाना चाहता है तो भी वो पकड़ा जाएगा, मतलब आपके फ़ोन को कोई भी ले नहीं पाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कॉमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।